पूर्णिया शहर में नए नए विवाह भवन का खुलना जारी है। आज इसी क्रम में पूर्णिया के चूनापुर रोड स्थित कोसी नर्सरी के पास एआर पैलेस हॉल विवाह भवन का एक भव्य शुभारंभ नगर निगम की महापौर विभा कुमारी और उप महापौर पल्लवी गुप्ता एवं उपस्थित गज्ञवान व्यक्ति के द्वारा फीता काट कर एवं केक काट कर किया गया। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए विभा कुमारी और पल्लवी गुप्ता ने बताया कि इस एरिया में विभाग भवन का खुलना लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा, जिससे आम आवाम कोई भी पार्टी फंक्शन के लिए कम कीमत में सारी सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। और पैलेस हॉल के प्रोपराइटर सचिन कुमार ने बताया कि इस विभाग भवन में अच्छी पार्किंग के साथ सारी सुविधाएं से लैस ये भवन है। कम कीमत पर कोई भी शादी विवाह पार्टी के लिए बुक कर सकते हैं। सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं कि इस रोड में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था बढ़िया, और एआर पैलेस ने उसको ये किया है, उसको लोगों को दिया है। अब सभी ग्रामवासी नगरवासी से निवेदन है कि आप लोग एक बार आके विजिट करें, देखें। यहाँ पे इस फुल इवेंट का प्रबंध किया गया है, जो आपको शादी विवाह पार्टी मीटिंग वगैरह जो भी हो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। आज क्या चीज का शुभारंभ किया गया है? आज मेरा मैरिज हॉल का शुभारंभ किया गया, उसका जिसका नाम है एआर पैलेस हॉल। किनके हाथों शुभारंभ किया गया? डिप्टी मेयर और मेयर। और सुविधा की बात करिए तो क्या क्या सुविधा आप दे रहे हैं यहाँ? सुविधा में मतलब भवन है, आगे स्पेस बहुत ज्यादा है, पीछे पार्किंग जगह बहुत ज्यादा है, 12 रूम है, 12 एसी है, हॉल दो है, दोनों हॉल बड़े हैं, दोनों हॉल में एसी लगे हुए हैं। कितनी कैपेसिटी है हॉल में? 1500 आदमी। कौन कौन से पार्टी फंक्शन में लोग बुकिंग कर सकते हैं? बर्थडे में, एंगेजमेंट में, पार्टी में, शादी में, एंगेजमेंट, ऑफिशियल मीटिंग सब। ऐसे सोच कहाँ से आया मतलब इस इलाके में इस तरह का भवन खोलना? एक्चुअली आसपास मतलब था नहीं इस एरिया में, तो थोड़ा आया दिमाग में कि कुछ होना चाहिए इस एरिया में। इस आसपास के आदमियों को थोड़ा असुविधा होती थी उसके चलते, तो यहाँ पास में हमने खोलने का थोड़ा सा सोचा। क्या नाम रखे हैं आप लोग? एआर पैलेस। एआर पैलेस चूनापुर रोड। पूर्णिया वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? संदेश देंगे आप? यही संदेश देंगे कि यहाँ हर सुविधा है, हर तरह का आपको सुविधा मिलेगा, आकर एक बार विजिट करें जरूर। बस क्या नाम है? जया किरण। क्या जी, सबसे पहले मैं उषा जी और सचिन जी और उनके दोनों बेटियों का बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ इस एआर पैलेस के लिए, और ये यहाँ के एरिया के लिए और यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। जो कि यहाँ से बाहर जाना पड़ता था किसी भी कार्य को, जो मांगलिक कार्य होते हैं उसे करने के लिए, लेकिन यह इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही सुविधाएँ की बात है कि यहाँ पर यह विवाह भवन खुला है और उनके मांगलिक कार्यक्रम के यहाँ पे बहुत अच्छे से करें, और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आने वाले समय में 22 तारीख को हमारा बहुत बड़ा एक शुभारंभ हो रहा है अयोध्या का, जिसमें सभी लोग बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस दिन के लिए, और इसी बहाने हम 20 तारीख को अपने विवाह भवन का ओपनिंग कर रहे हैं, जिसका नाम है एआर पैलेस हॉल। आप लोग यहाँ आइए, एक बार विजिट कीजिए, देखिए यहाँ क्या है, क्या सुविधा है, तभी आप लोग को पता चलेगा। आगे हम क्या बोले आप लोगों को, एक बार आगे विजिट कीजिए आप लोग। सुविधा की बात कर ले तो यहाँ पे क्या क्या सुविधा है? सारी सुविधा आपको मिलेगी यहाँ पे, पार्किंग वगैरह है, गार्डन है, स्विमिंग पूल, आने वाले समय में स्विमिंग पूल भी दे रहे हैं यहाँ पे, गार्डन भी है। कैपेसिटी एक बार में आप अंदर हॉल में 1500 आदमी बैठ सकते हैं एक बार में। मीटिंग वगैरह होगा, शादी हो, चाहे बर्थडे पार्टी हो, या किसी भी तरह का इवेंट होगा, छोटा हो या बड़ा हो, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। रेट की बात कर ले तो क्या रेट? एक आपको जेन्युइन रेट होगा, पूरे मार्केट से हमारा रेट चीफ ही मिलेगा। अच्छा, इस एरिया को आप चुने हैं, इस एरिया में पहले था कोई? नहीं, यहाँ हमारे इर्द गिर्द कोई है नहीं, आस पास में एक है विवाहवन जलसा, उसके बाद ये है, तो वो तो डिस्टेंस में होगा, वो काफी डिस्टेंस में है, उसका एरिया भी छोटा है, लेकिन एरिया में ये हमारा चूनापुर एरिया में है, ये चूनापुर रोड में है। ये क्या नाम? अमित कुमार साह।
आज मैरिज हॉल का ओपनिंग के लिए क्या कहेंगे जैसे आप? सबसे पहले तो मैं उषा किरण जी और सचिन कुमार जी को ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई देती हूं कि आज के दौर में देखिए जहां पे शहरी क्षेत्र में शादी विवाह है यदि करना हो या कोई भी प्रोग्राम करना हो तो जगह का अभाव हो जाता है, लेकिन यहां पे देखिए बहुत ज़्यादा स्पेस है और बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। इसकी भव्यता भी है, जितनी आगे भी जगह है पीछे भी है और बीच में मैरिज हॉल बनाया गया है। तो मैं उषा किरण जी और सचिन जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, बधाइयाँ भी देती हूँ और इनका जो यह विवाह भवन है वह अच्छे से चलाए, यही मेरा शुभ आशीर्वाद है और निरंतर यह अपने आगे जो काम में लगे हैं आगे बढ़ते रहें।